हाय, दिस इज़ प्राची और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शेफ इन एवरी होम में। आज हम बना रहे हैं ब्रेड उपमा, बहुत ही सिंपल तरीके से, जो आपको घर पर ही इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे उनसे बनाएंगे। तो सबसे पहले, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज, आलू, ये मैंने टमाटर लिए हैं और यहाँ पर मैंने चार ब्रेड्स लिए हैं। और अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इन सबको एक पैन में फ्राई कर लेना है। तो एक पैन को गरम कर लिया मैंने यहाँ पर और इसमें आपने डाल देना है घी या फिर तेल। मैं यहाँ पर घी डाल रही हूँ एक चम्मच के करीब। इसमें आपने डाल देना है अपने चॉप्ड अनियंस, ये देखिए हल्के से ब्राउन हो गए हैं अनियंस हमारे, हल्के से ब्राउन हुए हैं। इसमें आपने डाल देने अपने चॉप्ड टमाटोज, अब जब भी टमाटर डालते हैं आप तो आप नमक ज़रूर डालते हैं। इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे से नमक डालने के बाद गल जाए टमाटर हमारा 2 मिनट के लिए। इसमें आपने डाल देनी है थोड़ी सी हरी मिर्च, ये मैंने पिसी हुई ली है हरी मिर्च। और तुरंत बाद आपने डाल देना है ये चॉप्ड पोटैटो, इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब जब तक ये हमारा आलू थोड़ा सा हल्का सा कुक हो रहा है तब तक हम ब्रेड को अपना थोड़ा सा पानी में डालना होता है, तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया एक बाउल में और ये ब्रेड्स को आपने इसमें डिप करना है अच्छे से पानी में। जैसे ये बिल्कुल अच्छे से डिप हो जाए इसको आपने हल्का सा ऐसे निचोड़ देना है। देखिए अच्छे से बिल्कुल स्मैश हो गया है हमारा ब्रेड, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल चूरा हो गया है। तब तक हमारे आलू भी पक गए होंगे, देखते हैं। अब इसमें आपने हल्की सी लाल मिर्च डाल देनी है और सॉल्ट आपने पहले भी डाला था तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए जितना आपको सही लगे आप डाल सकते हैं। मैं हल्का सा और नमक डाल रही हूँ इसमें और हल्की सी मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च। इसको अच्छे से चलाती हूँ, ज़्यादा मसाले आपने ऐड नहीं करने। आप चाहो तो इसमें ओरिगैनो भी डाल सकते हो। अब इसमें हल्का सा एक घूंट के करीब पानी डाला है ताकि अच्छे से मसालों में कोट हो जाए। और अब इसे 2 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। तो देखिए कितना अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें हम अपने जो हमारे ब्रेड्स थे ये ब्रेड डाल देते हैं इसमें और इसको अच्छे से इसमें मिला देते हैं। नमक मैंने थोड़ा सा पहले ही तेज़ रखा था ताकि हम ब्रेड डालें अच्छे से इसमें नमक में अच्छे से कोट हो जाए, नमक की कोई कमी ना हो। इस तरीके से आप इसको दबाते हुए अच्छे से कोट कर दीजिए इन वेजीज में। आप चाहो तो इसमें मटर, गोभी कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपकी फेवरेट सब्जी हो। पर ये आलू टमाटर प्याज तो ऐसा होता है ना घर पे मिल ही जाते हैं, तो इससे आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। अब इसको हम 1 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसको फिर हम उतार लेंगे गैस से। अच्छे से हो गया है कुक हमारा, अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। चलिए ऊपर से आप इसमें हल्का सा केचप ऐड कर दीजिए। आपका ब्रेड उपमा बिल्कुल रेडी है। गर्मा गर्म आप इसको चाय के साथ खाइए, सुबह सुबह नाश्ते में कभी भी खा सकते हैं आप बनाकर, जब छोटी मोटी आपको भूख लगी हो जब भी आप इसको तुरंत बनाकर खा सकते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके
और आगे ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @chefineveryhome। आईडी आपकी स्क्रीन पर है। थैंक यू।